हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 11, जिसका नाम है माइनिंग नॉट स्टीलिंग। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में एक फैमिली के बारे में बताया गया है। वो जो फैमिली थी शुरू शुरू में लंदन में रहती थी, लेकिन जब उनके पापा की मीन्स कि इस फैमिली के जो मेम्बर थे, हेड मेम्बर थे, वो जेल चले जाते हैं, इसके बाद से उस फैमिली को मूव करना पड़ता है। वो जो फैमिली होती है ये एक द थ्री चिमनी नाम की जगह पर पहुँच जाती है, मीन्स कि मूव कर जाती है। और उनका जो घर होता है एक रेलवे स्टेशन के बगल में होता है। इसके बाद से क्या होता है कि जो पीटर था और जो फिलिप्स थी वो अपने मम्मी के पास रहते थे, और उनकी जो मम्मी थी बेसिकली वो स्टोरीज लिखा करती थी बच्चों के लिए। तो चलिए, मम्मी ने यानी वो जो फैमिली थी, उनकी जो मम्मी थी एक्चुअली में हमेशा कहती रहती थी, ठीक है, हम लोग बहुत ही पुअर हैं, गरीब हैं। बट जो बच्चे थे वो अपने आप पे विश्वास नहीं करते थे कि हम लोग वाकई में गरीब हैं, ठीक है। वो सोचते थे कि जो मम्मी है शायद वैसे ही हम लोगों को कहकर डरा रही हैं, ठीक है, एक्चुअली में हम लोग पुअर नहीं हैं। इसके बाद से क्या होता है, देयर वॉज ऑलवेज इनफ टू ईट। वो जानते थे कि हमारे पास खाने के लिए भरपूर चीज़ें रहती थी, फूड प्रोवाइड रहती थी, एंड दे वॉर अ काइंड ऑफ नाइस क्लॉथ दे हैड ऑलवेज वॉन्ट। और वो हमेशा अच्छे कपड़े पहनते थे, इसलिए जो भी चीज़ें उनकी मम्मी कहती थी वो दिल पे नहीं लेते थे जो बच्चे थे। बट इन जून केम थ्री वेट डेज। इसके बाद जून का मौसम आता है और 3 दिन लगातार बारिश होती है। जैसे ही 3 दिन लगातार बारिश होती है तो वह उस समय बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है। जैसे ही बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो जो जितने भी बच्चे होते हैं उस फैमिली में वो कांपने लगते हैं, मीन्स ठंड को फील करने लगते हैं। इसके बाद से क्या होता है, जैसे ही ठंड लगने लगती है वो अपने मम्मी के रूम के पास जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। जैसे ही दरवाज़े को नॉक करते हैं तो उसकी जो मम्मी होती हैं वो बाहर निकलती हैं और कहती हैं, व्हाट इज़ इट, क्या हुआ। मम्मी अंदर से कहती हैं, ठीक है, तो बॉबी कहता है, बॉबी कहती है, मे आई नॉट लाइट अ फायर, आई डोंट नो हाउ। वो कहती है, क्या हम लोग आग जला सकते हैं, मैं जानती हूँ कि आग कैसे जलाया जाता है। लेकिन मदर कहती है, नो माई डकी लव, वी मस्ट नॉट हैव अ फायर इन जून, कोल इज सो डियर। वो कहती हैं कि हमारे पास जो कोल है वो बहुत ही कम है, इसीलिए इस समय हम लोग फायर यानी आग को नहीं जला सकते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। इफ़ यू आर कोल्ड गो एंड हैव अ गुड रूम इन अ एटिक दैट विल वार्म यू। इसके बाद से वो उसकी मम्मी सुझाव देती हैं उन बच्चों को कि अगर तुम्हें ठंड लग रही है तुम क्या करो, तुम जाओ दौड़ो खेलो, जिससे क्या होगी तुम थोड़े से वार्म महसूस करोगे। बट मदर इट ओनली टेक्स सच अ वेरी लिटिल कोल्ड टू मेक अ फायर। जो बट वो कहते हैं, मम्मी लेकिन बहुत ही कम हमें कोल चाहिए फायर को जलाने के लिए। बट क्या होता है कि उनकी जो मम्मी होती डायरेक्टली मना कर देती हैं, इट इज़ मोर देन वी कैन अफोर्ड, चिकनी लव सेड मदर चेयरफुली, नाउ रन अवे डार्लिंग्स आई एम मैडली बिजी। वो कहती है, मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत ही बिजी हूँ, अब जाओ और खेलो। मदर ऑलवेज बिजी नाउ एंड फिलिस इन द विस्पर टू पीटर, पीटर डिड नॉट आंसर। और जो फिलिस होती है वो पीटर से कहती है, ठीक है, बट जो पीटर होता है वो आंसर नहीं करता है। ही स्ट्रगल्ड हिज शोल्डर्स, ही वॉज थिंकिंग। और इसके बाद से वो सोच रहा था, कौन, पीटर, कुछ आइडियाज़ के बारे में। Thought, however, could not long keep him from the attic, which had been suitably furnished as a bandit's lair. Bandit's lair का मतलब होता है, bandit मतलब robber, lair का मतलब secret hiding place for a person, especially for a criminal. ऐसा जगह जो कि criminal के लिए होता है। तो जो बच्चा होता है, पीटर होता है, सोचता है कि अगर हम लोग खेल कूद करेंगे तो इससे हम लोग ज़्यादा समय तक वार्म अपने आप को नहीं रख सकते हैं, गर्म अपने आप को नहीं रख सकते हैं, तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो इसके बाद से क्या होता है कि वो जो बच्चे होते हैं, ठीक है, द पेरेंट ऑफ अ फिलिस हु वॉज द कैप्चर्स मैडन फॉर होम एंड मैग्निफिकेंट रॉन्सम्स इन अ हॉर्स बिन्स। रॉन्सम्स का मतलब अ सम ऑफ मनी फॉर अदर्स, हॉर्स बिन्स का मतलब होता है अ लार्ज फ्लैट एडिबल ग्रीन प्लांट्स। इसके बाद से क्या होता है, जो उसकी मम्मी पापा थे, सॉरी, जो मम्मी थी इन बच्चों की, वो एक्चुअली में काफ़ी अपने आप को हम बोल सकते हैं माइजर थी, माइजर की तरह ट्रीट कर रही थी उस समय बच्चों को लेकर। द
तभी बच्चे अपने आप में सोचने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद से क्या होता है, सब लोग सोचते हैं चलो क्यों ना हम लोग चाय पीते हैं, शायद इससे हम लोग थोड़ा सा गर्म रह सके। फ्लस्ड एंड जोयस एज एनी माउंटेन ब्रिगेंस फिलिस वॉज गोइंग टू एड जैम टू हर ब्रेड एंड बटर, बट मदर सेड जैम और बटर डियर। वो कहती है कि अगर मैं या तुम ब्रेड खा रहे हैं तो मम्मी कहती हैं ब्रेड के साथ या तो जैम लगाओ या तो बटर लगाओ, दोनों नहीं लगा सकते क्योंकि हम लोग बहुत ही पुअर हैं, ठीक है, वी कांट अफोर्ड इट, हम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लग्जरी लाइफ, ठीक है। फिलिस फिनिश द स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड बटर इन साइलेंस। इसके बाद से जो फिलिस होती है वो क्या करती है, बटर को ब्रेड को ख़त्म करती है एंड फॉलो इट बाय द ब्रेड एंड जैम। पीटर थॉट वाइल ही सिप्ड विक टी। इसके बाद से जो पीटर था वो चाय पी रहा था और ये जो बच्चियाँ थी ब्रेड खा रही थी और बटर खा रही थी, ठीक है। आफ्टर टी दे वेंट बैक टू दैट एक्टिक एंड पीटर सेड टू हिज सिस्टर आई हैव एन आइडिया। इसके बाद से जैसे ही चाय पीकर ब्रेड वगैरह खाकर वो जाते हैं खेलने के लिए, तभी पीटर कहता है मेरे पास एक आइडिया है। तो इसके बाद से ये दोनों बच्चियाँ पूछती हैं, दोनों गर्ल्स पूछती हैं व्हाट इज़ दैट, क्या आइडिया है। आई शैल नॉट टेल यू वाज पीटर अनएक्सपेक्टेड रिजॉइंडर। इसके बाद से जो पीटर होता है कहता है कि मैं तुम लोगों को नहीं बताऊँगा। वो वेरी वेल सेड बॉबी, बॉबी कहती है अच्छा बहुत अच्छा। एंड फिलिस सेड डोंट देन। इसके बाद फिलिस कहती है ठीक है मत बताओ। गर्ल सेड पीटर आर ऑलवेज सो हास्टी टेम्पर्ड। इसके बाद पीटर कहता है जो गर्ल्स होती हैं वो बहुत ही हास्टी टेम्पर्ड होती हैं। हास्टी टेम्पर्ड का मतलब होता है बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाना। आई शुड लाइक टू नो व्हाट बॉयज आर सेड बॉबी। बॉबी कहती है अच्छा गर्ल्स ऐसी होती हैं तो मुझे जानने में काफ़ी दिलचस्पी होगी कि बॉयज कैसे होते हैं। विथ फाइन दिस डैन आई डोंट वॉन्ट टू नो अबाउट योर सिली आइडियाज। मुझे नहीं जानना है तुम्हारे आइडिया के बारे में। यू विल नो सम डेज सेड पीटर। पीटर कहता है कि तुम किसी ना किसी दिन मेरे आइडिया के बारे में पता चल ही जाएगा। कीपिंग इज ओन टेम्पर बाई वॉट लुकड एग्जैक्टली लाइक अ मायरकल इफ यू हैडन्ट बीन सो कीन ऑन अ रो आई माइट हैव टोल्ड यू दैट इट वॉज ओनली माई नोबल हर्ट डेनेस दैट मेड मी नॉट टू टेल माई आइडिया। मीन्स वो कहता है कि मैं आइडिया बताना चाहता हूँ लेकिन मेरा जो दिल है मेरा जो हर्ट है वो बताने नहीं दे रहा है। मीन्स कि मेरे अंदर से नहीं आ रहा है कि मैं तुमको ये सारी चीज़ें जो मेरी आइडिया है मैं तुमको बताऊँ। बट नाउ आई शैल नॉट टेल यू एनी थिंग एट ऑल अबाउट इट सो देयर। इसके बाद से वो कहता है लेकिन मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताऊँगा समझ लो। एंड इट वॉज इन डीड सम टाइम्स बिफोर ही कुड बी इंड्यूस्ड टू से एनीथिंग एंड वेन ही डिड इट वॉजेंट मच ही सेड द ओनली रीजन वाई वॉन्ट टेल यू माई आइडिया अबाउट वट आई एम गोइंग टू डू इट बिकॉज इट मे बी रॉन्ग एंड आई डोंट वॉन्ट टू ड्रैग इट यू इन टू इट। इसके बाद से क्या होता है कि यो जो पीटर होता है वो कहता है ठीक है ओके मैं बताना नहीं चाहता हूँ लेकिन एक्चुअली में एक रीज़न है मैं क्यों नहीं बताना चाहता हूँ। मेरा आइडिया बहुत ही ज़्यादा गलत है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे आइडिया के चलते तुम लोग किसी परेशानी में फंस जाओ। डोंट यू डू इट इफ़ इट इज़ रॉन्ग पीटर सेड बॉबी। बॉबी कहती है पीटर अगर कुछ भी काम करने जा रहे हो वो गलत है तो मत करो, लेट मी डू इट, मुझे करने दो। बट फिलिस सेड आई शुड लाइक टू डू रॉन्ग इफ़ यू आर गोइंग टू। बट फिलिस जो होती है दूसरी गर्ल्स वो कहती है कोई बात नहीं अगर गलत बात है लेकिन तुम करने जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। नो सेड पीटर। पीटर कहता नहीं तुम नहीं आ सकती। रदर टस्ट बाय हिज डिवोशंस इट इज़ अ फॉरलॉर्न होप आई एम गोइंग टू लीड इट ऑल आई आस्क इज दैट इफ मदर आस्क वेयर एम आई यू वॉन्ट ब्लॉफ। इसके बाद पीटर कहता है कि नहीं कोई भी मेरे आइडिया में नहीं आएगा। मीन्स कि जो भी काम मैं करने जा रहा हूँ कोई भी नहीं आना चाहिए। और अगर मम्मी पूछे कि मैं कहाँ हूँ तो तुम कुछ नहीं बताओगी। वी हैवेंट गॉट एनीथिंग टू ब्लॉफ सेड बॉबी इंडिजेंटली। तो बॉबी कहती है कि नहीं मेरे पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए मम्मी को तो मैं क्यों बताऊँगी। वो येस यू हैव सेड पीटर। पीटर कहता है हाँ तुम बता सकती हो। ड्रॉपिंग हॉर्स बीन्स थ्रू His finger, I have trusted you to death. You know I'm going to do a lone adventures and some people might think it wrong. वो कहता है कि हम लोग पीटर कहता है अपने सिस्टर से कि मैं तुम लोगों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ ठीक है और लेकिन जो मैं काम करने जा रहा हूँ शायद तुम लोगों के लिए गलत ना हो लेकिन लोगों के लिए ये गलत है। आई डोंट एंड इफ मदर आस्क वेर आई से आई एम प्लेइंग एट माइंस
इसके बाद से वो कहता है पीटर कि अगर मम्मी पूछे कि मैं कहाँ हूँ तो तुम कहना कि मैं माइंस में खेल रहा हूँ। तो फिर से पूछती है उसकी सिस्टर, व्हाट सॉर्ट ऑफ माइंस, माइंस क्या होता है। ठीक है, तो इसके बाद से क्या होता है, वो कहती है यू जस्ट से माइंस, तुम सिर्फ माइंस ही कहोगी और कुछ दूसरा कुछ नहीं कहोगी। ठीक है, यू माइट टेल अस पीटी, वेल देन कोल माइंस बट डोंट यू लेट द वर्ड पास योर लिप्स ऑन पेन ऑफ टॉर्चर। वो कहता है पीटर कि मैं कोल माइंस में जा रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे कुछ कोयले को स्टीलिंग मतलब कोयले को लाने के लिए, कोल को लाने के लिए, ठीक है, लेकिन अगर मम्मी तुमको मार के भी पूछे, टॉर्चर करके भी पूछे, तो तुम्हारे लिप्स यानी मुंह से नहीं निकलना चाहिए कि मैं कोल माइन में गया हुआ हूँ। यू डिड नॉट थ्रेटन, सेड बॉबी, बॉबी कहती है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई डू थिंक यू माइट लेट अस हेल्प, और मैं सोचती हूँ कि मेरे हिसाब से मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। इफ़ आई फाइंड अ कोल माइन यू शैल हेल्प कार्ड टू कोल, पीटर कंडिसेंडेड टू प्रॉमिस। इसके बाद से जो पीटर है वो कहता है ठीक है, अगर तुम लोग हेल्प करना चाहती हो तो हेल्प कर सकती हो, सुनो क्या करना, अगर मुझे कोल माइन मिल गया तो तुम लोग क्या करोगी, कार्ट जो होता है, कार्ट का मतलब क्या होता है, एक तरह का बॉक्स नुमा होता है और यहाँ पर पहिया लगा होता है और इसको ले जाया जाता है ढकेल के, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्ट। तो कहता है तुम लोग कार्ट को मेरे पास ला सकती हो, जिसमें हम लोग उस कार्ट में ढेर सारे कोल को भरकर अपने घर तक हम लोग ले जा सकते हैं। कीप योर सीक्रेट इफ़ यू लाइक, सेड फिलिस, फिलिस कहती है कि तुम अपना सीक्रेट अपने पास रखो अगर तुम्हें यही करना है। कीप इट इफ़ यू कैन, सेड बॉबी, बॉबी कहती है तुम भी रखो, ठीक है, मीन्स कि तुम भी किसी से मत कहना, मीन्स कि मैं भी नहीं कहूँगी और तुम भी किसी से नहीं कहोगे। तो सारे के सारे क्या होते हैं, प्लान बना लेते हैं कोल माइन में जाने के लिए। टू नाइट आफ्टर द डाउनिंग ऑफ पीटर आइडिया ही बेकॉन द गर्ल्स मिस्टीरियसली एट द ट्विलाइट आवर, दिस वॉज अ टाइम बिटवीन टी एंड सपर। यानी क्या होता है, वो तीनों को तीनों क्या होते हैं, अब कोयले यानी कोल माइन की खोज में चले जाते हैं, मीन्स कि वो कोयले को लाने के लिए चले जाते हैं। वेन मदर वॉज यूजली राइटिंग और मिसेज वैनी इज द हाउस कीपर हैड गॉन होम, यानी वो जो समय होता है वो डिनर करने का होता है, जिस समय उनकी जो नौकरानी होती है उस घर की वो चली जाती है, मेड होती हैं चली जाती हैं, और उनकी जो मम्मी होती हैं वो बुक वगैरह या चिल्ड्रेन स्टोरी वगैरह लिखने में बिजी रहती हैं। उसी समय वो लोग प्लान बनाते हैं कोल माइन में जाने के लिए। कम हीटर विद मी ही सेड एंड ब्रिंग द रोमन कैरोट, कैरेट है। इसके बाद कहता है कि चलो ठीक है जल्दी मेरे साथ आओ और वो जो कैरेट है वो भी उसको भी लेते आना। द रोमन कैरेट वॉज एन ओल्ड पैराबुलेटर दैट हैड बीन लेइंग फॉर ईयर्स इन द लोप ओवर द कोच हाउस, यानी वो जो कैरेट था ना वो कम से कम कई सालों से पड़ा हुआ था एक रूम में, ठीक है। द चिल्ड्रेन हैड ऑल इट वर्क स्टिल इट्स ग्लिडेड नॉइजलेसली, इसके बाद जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उसको साफ़ करते हैं उस कैरेट को, मतलब को जिसमें भर के ले जाने वाला कोयला होता है उसको साफ़ करते हैं, ठीक है, इस तरह का होता है, इसको साफ़ करते हैं ताकि ये आवाज़ ना दे रात को जब चले, ठीक है। एज इट हैड प्रोबेबली डन लॉन्ग एगो इन इट्स बेस्ट डेज, इसके बाद से उसको ज़्यादा समय तक रिपेयरिंग करते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं और इसके बाद से वो क्या करते हैं, ले जाते हैं। फॉलो डॉन्टलेस लीडर्स, सैड पीटर, इसके बाद वो कहता है कि मुझे तुम लोग फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे आओ, ठीक है। एंड लेट द वे डाउन द हिल टू द स्टेशंस, और हम लोग कहाँ जाएंगे, स्टेशन से होते हुए हम लोग कहाँ जाएंगे, जो पहाड़ियों के नीचे हैं वहाँ पर हम लोग जाएंगे, ठीक है। जस्ट अबव द स्टेशन मैनी रॉक साइड पुश देयर हेड्स आउट थ्रू द टर्फ एज दो दे लाइक द चिल्ड्रंस वर इंटरेस्टेड इन द रेलवे, मीन्स कि जो स्टेशन था वहाँ उसके ऊपर, ठीक है, ढेर सारे रॉक्स थे और वहाँ पे जो बच्चे थे ये हमेशा जाया करते थे खेलने के लिए। इन द लिटिल हॉलो बिटवीन थ्री रॉक्स ले अ हीप ऑफ ड्राइड ग्रास एंड ट्विक्स, और वहाँ पे क्या था, ढेर सारे घास वगैरह भी उगे हुए थे, पहाड़ थे, बड़े बड़े पत्थर थे। पीटर हॉल्टेड टर्न ओवर द हीप विद अ वेल स्केयर्ड बूट एंड सेड हियर द फर्स्ट कॉल फ्रॉम द सेंट पीटर्स माइन, वो कहता है कि देखो अब क्या होता है, जो रेलवेज होता है ना उसके मतलब कि एक खदान था, एक तरह से सुरंग नुमा था, वहाँ पे कोयला था, ठीक है, कोल था, वहाँ पर वो जाते हैं और देखते हैं कि कहते हैं जो पीटर, वो कहता है कि देखो यहाँ पे पहला जो कोयला है या कोल है हम लोगों को मिल गया, ठीक है। वो अपना नाम देता है, क्या नाम देता है, सेंट पीटर्स माइन, कि वो अपना नाम देता है कि ये मेरा माइन है। वी विल टेक इट होम इन द कैरेट, हम लोग कैरेट में रख के इस जो हम बोल सकते हैं कोल है उसको घर ले जाएंगे।
पंक्चुअलिटी एंड स्पीड ऑल ऑर्डर्स केयरफुली अटेंडेड टू एनी सेप्ट लम्ब कटू टू सूट रेगुलर कस्टमर्स। इसके बाद से क्या होता है, वो सारे के सारे जो कॉल होता है फिर से भरकर वो घर पे लिख चले जाते हैं और वो रेगुलर करने लगते हैं ऐसा ही। द करेट वॉज पैक्ड फुल ऑफ कॉल एंड वेन इट वॉज पैक्ड इट हैड टू बी अनपैक्ड अगेन बिकॉज इट वॉज सो हैवी दैट इट कुडंट बी गॉट अप टू द हिल बाय द थ्री चिल्ड्रंस। इसके बाद से क्या हो गया, जब वो लोग कैरेट को फुल कर लेते थे तो वो कैरेट बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाता था और उनको ऊँचे पे ले जाना पड़ता था, ठीक है। इसीलिए जब भारी हो जाता था तो उसको थोड़ा सा अनपैक भी करना पड़ता था, मतलब थोड़ा सा खाली करना पड़ता था, कोल को नीचे रखना पड़ता था, उतारना पड़ता था। एंड इवन वेन पीटर हार्नेस्ड हिमसेल्फ टू द हैंडल विथ हिज ब्रेसेस एंड फर्मली ग्रास्पिंग हिज वेस्ट बैंड इन वन हैंड एंड पुल्ड व्हाइल द गर्ल्स पुश्ड बिहाइंड। इसके बाद जो पीटर था वो खींचता था और जो लड़कियाँ थी पीछे, गर्ल्स यानी जो सिस्टर्स थी उसकी, वो ढकेलती थी उस कैरेट को। थ्री स्ट्रिप्स हैड टू बी मेड बिफोर द कोल फ्रॉम पीटर्स माइंड वॉज एडेड टू द हिप ऑफ, यानी तीन चक्कर मतलब कि तीन ट्रिप्स, ट्रिप्स का मतलब है कि रुक रुक कर वो तीन बार में ऊपर चढ़ जाते हैं सब, ठीक है, जहाँ पर उनका घर रहता है। मदर्स कॉल्स इन द सेलार आफ्टर वर्ड पीटर वेंट आउट एलोन एंड कम बैक वेरी ब्लैक एंड मिस्टीरियस। आई हैव बीन टू माई कोल माइंड ही सेड टुमारो इवनिंग ही विल ब्रिंग होम द ब्लैक डायमंड्स इन द कैरेट। इसके बाद से जब चला जाता है, ठीक है, जो उसकी जो हम बोल सकते सिलार, यहाँ पर दिया गया एक वर्ड, सिलार का मतलब होता है तहखाना, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब जहाँ पर उनकी मम्मी कोल रखती थी सेम वहाँ पर जो बच्चे थे उस कोल माइनिंग को ला कर रखते थे, इकट्ठा करते थे, ठीक है, और वो डेली के डेली ये काम करने लगे, उनको काफ़ी अच्छा लगने लगा। जब भी वो इवनिंग होती थी वो निकल जाते थे, तभी फिर से वो लोग प्लान बनाते कि हम टुमारो इवनिंग फिर से जाएंगे और वहाँ पर ढेर सारे कोल को भरकर लाएंगे कैरेट में। इट वॉज़ ए वीक लेटर दैट मिसेज वाइनी रिमार्क टू मदर हाउ वेल दिस लास्ट लॉर्ड ऑफ कोल वॉज होल्डिंग आउट। द चिल्ड्रेन हग्ड देमसेल्व्स टू ईच अदर इन अ साइलेंट लाफ्टर एज दे लिसन ऑन द स्टेयर्स। इसके बाद से क्या होता है कि जो उनकी मम्मी होती हैं, उन बच्चों की मम्मी होती है, उन लोगों को पता चल जाता है कि जहाँ पर कोल रखा होता है वहाँ पर जो कोल थी वो ख़त्म नहीं हो रहा होता है और वहाँ पर जो कोल थी उसकी मात्रा बढ़ती जा रही थी क्योंकि वो जो माइंस था वहाँ से लाते जा रहे थे, ठीक है। तो ये जो सारी बातें सुनकर जितने जो तीनों बच्चे थे वो अपने आप को एक दूसरे को गले लगा कर हंसने लगते हैं, ठीक है। उनको ज़्यादा आश्चर्य नहीं होता कि हम लोग चोरी कर रहे हैं, उन बच्चों को ऐसा लग रहा था कि वो जो कोल माइन है उनका है, ठीक है, क्योंकि वो इतनी मेहनत करके वो ऊपर ले जा रहे थे, ऐसा नहीं सोच रहे थे कि वो लोग चोरी कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली में वो चोरी कर रहे थे। दैट ऑल फॉरगेटन बाय नाउ दैट देयर हैड इवन बीन एनी डाउट इन द पीटर्स माइंड एज वेदर कोल माइनिंग वॉज रॉन्ग। इसके बाद जैसे ही उनकी मम्मी पापा ने उस कोल को लेकर नहीं डांटा तो जो तीनों बच्चे थे वो अपने मन में सोच लिए थे जो कोल माइनिंग है बेसिकली वो रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है। बट देयर कम ए ड्रेडफुल नाइट व्हेन द स्टेशन मास्टर पुट ऑन द पेयर ऑफ ओल्ड सैंड शूज दैट ही हैड वॉर्न एट द सी साइड ऑन द समर हॉलीडे। तभी क्या होता है, एक दिन ऐसा होता है जो स्टेशन मास्टर होता है, ठीक है, वो एक जूता पहनता है और जूते पहन कर क्या करता है, वो समर हॉलीडे का समय था मतलब गर्मियों का सीजन था और वो चेकिंग के लिए उस रेलवे प्लेटफॉर्म पर चला जाता है। एंड क्रिप्ट आउट वेरी क्वाटली टू द यार्ड वेयर द हीप ऑफ कोल वॉज, जहाँ पर ढेर सारे कोयला रखा हुआ था, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि वो चोरी चोरी छिप छिप के वो जो स्टेशन मास्टर होता है उसकी रखवाली को देखने के लिए वो वहाँ पर पहुँचता है। With a white sheet, white washed lined round it, he crept out there and he waited like a cat by mouse hole. इसके बाद से क्या करता है कि वो वहाँ पर बैठ जाता है और वेट करने लगता है, शायद कोई आएगा और मैं उसको पकड़ लूँगा। On the top of the heap, something small and dark was scrabbling and rattling furtively among the coal. तभी क्या होता है, वो जो स्टेशन मास्टर होता है उसको कुछ सुनाई देती है, ऊपर से खड़खड़ाहट की सुनाई देती है और कुछ चीज़ें नीचे की तरफ आ रही होती है। इससे क्या होता है, उसकी जो स्टेशन मास्टर होता है उसकी जो शक होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। द स्टेशन मास्टर कॉन्क्लूड हिमसेल्फ इन द शैडो ऑफ ए ब्रेक वैन द हैड अ लिटिल टीन चिमनी एंड इन हिज कंसीलमेंट ही लर्क टिल द स्मॉल थिंग्स ऑन द टॉप ऑफ द हीप किज टू स्क्रैबल एंड रैटल। तभी क्या होता है, वो कुछ शैडो देखता है, मीन्स कि कुछ लोगों की शैडो यानी परछाई देखता है स्टेशन मास्टर और कुछ आवाज़ें सुनता है। उससे क्या होती है, वो काफ़ी कंफर्म हो जाता है कि कोई है जो इंसान इस तरफ कोल यानी कोल माइनिंग है यहाँ पर आ रहा है,
चोरी करने के लिए। कम टू द एज ऑफ द हीप कॉशनली लेट इट सेल्फ डाउन एंड लिफ्टेड समथिंग आफ्टर इट देन द आर्म ऑफ द स्टेशन मास्टर वॉज रेज द हैंड ऑफ द स्टेशन मास्टर फेल ऑन अ कॉलर। जैसे ही पीटर उस कोल को उठाता है उस कैरेट में रखने के लिए, तभी पीछे से क्या होता है, जो स्टेशन मास्टर होता है दौड़ा कर, ठीक है, कॉलर को, यानी जो पीटर का जो कॉलर है उसको पकड़ लेता है। एंड देयर वॉज अ पीटर फर्मली हेल्ड बाई जैकेट। और उसके बाद से जो पीटर होता है वो उसकी जो जैकेट होती है उसके हाथ में पकड़ा जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। जो पीटर है वो दौड़ कर भागने जा ही रहा था। विद एन ओल्ड कारपेंटर बैग फुल ऑफ कोल इन हिज ट्रेम्बलिंग क्लच। इसके बाद से क्या था कि ये जो कोल था, मतलब एक बैग में था एक तरह से, वो उस बैग को लेकर भाग रहा था, ठीक है। सो आई हैव कॉट यू लास्ट, आई हैव यू यंग थीफ, सेड द स्टेशन मास्टर। वो स्टेशन मास्टर कहता कि अच्छा, मैंने तो तुम्हें अभी पकड़ लिया चोर कहीं के। आई एम नॉट अ थीफ, सेड पीटर। पीटर कहता है अरे मैं चोर नहीं हूँ। एज ए फॉर्मली एज ही कूड, आई एम अ कोल माइनर, मैं कोल माइनर हूँ। कोल माइनर का मतलब कि जो कोल को क्या करते हैं, खोदते हैं, उसके थ्रू उनको कोल मिलता है, ठीक है। टेल दैट टू द पुलिस, सेड द स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर कहता है अच्छा तुम कोल माइनर हो, चलो तुम पुलिस को बताना कि तुम कोल माइनर हो या चोर हो। इट वुड बी जस्ट एज ट्रू हु एवर आई टोल्ड इट, सेड पीटर। पीटर कहता है कि ये तो पता ही चल जाएगा कि मैं कोल माइनर हूँ या मैं चोर हूँ। यू आर राइट देयर, सेड द मैन हु हैड हेल्ड हिम। उसके बाद से ये कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, तो पता चल जाएगा पुलिस स्टेशन में जाके। शट योर माउथ, तुम बंद करो अपना मुंह, ठीक है, यू थीफ, चोर कहीं के। एंड कम अलोंग द स्टेशन, चलो स्टेशन चलो पहले। वो नो क्राई द डार्कनेस एंड ऑर्गेनाइज्ड वॉइस दैट वॉज नॉट पीटर्स। इसके बाद से एक अंधेरे में से एक आवाज़ आती है, वो पीटर की आवाज़ नहीं होती है, वो उसके सिस्टर की आवाज़ होती है। वो कहती है नॉट द पुलिस स्टेशन, सेट अनदर वॉइस फ्रॉम द डार्कनेस। अंधेरे से कहती है कि नहीं पुलिस स्टेशन क्यों, नॉट इट, सेट द स्टेशन मास्टर, द रेलवे स्टेशन फर्स्ट, व्हाई इट इज़ अ रेगुलर गैंग एनी मोर ऑफ यू। वो कहता है अरे कौन बोल रहा है, कोई दूसरा भी है क्या तुम्हारे साथ इस गैंग में, ठीक है। ओनली यस, सेट बॉबी एंड फिलिस। बॉबी एंड फिलिस दोनों सिस्टर्स कहती हैं हाँ हम लोग हैं, हम लोग सिर्फ हैं। कमिंग आउट ऑफ द साइड ऑफ द अनदर ट्रक लेबल्ड स्टेबलरी कॉलरी। इसके बाद से वो अंधेरे से बाहर आते हैं और अपने जो फेस है उसको दिखाते हैं स्टेशन मास्टर को। व्हाट डू यू मीन बाय स्पाइंग ऑन फेलो लाइक दिस, सेड पीटर एंग्रीली। पीटर कहता है अरे तुम कैसे परेशान कर सकते हो किसी इंसान को इस तरह से। टाइम समवन डिड स्पाई ऑन यू आई थिंक, सेड द स्टेशन मास्टर। वो कहता है अरे अब टाइम आ गया कि अब तुम क्या करेगा, कोई तुम्हें परेशान करेगा। कम अलोंग टू द स्टेशन, चलो स्टेशन चलो पता चल जाएगा। वो डोंट, सेड बॉबी। बॉबी कहते नहीं हम लोग स्टेशन नहीं जाएंगे। कांट यू डिसाइड नाउ व्हाट यू विल डू अस, क्या तुम बता सकते हो कि तुम क्या करोगे हमारे साथ। इट इज़ आवर फॉल्ट जस्ट एज मच एज पीटर्स। हम लोग क्या है, हमारा जितना पीटर की गलती है उतना हमारी भी गलती है। वी हेल्प टू कैरी द कोल अवे, और हम लोगों ने उस कोल को ले जाने के लिए हेल्प भी किया था। एंड वी न्यू वेयर ही गॉट इट, और हम लोग जानते हैं कि ये जो कोल है कहाँ से आया हुआ है, ठीक है। नाउ यू डिडंट नो, यू डिड नॉट, सेड पीटर। पीटर कहता नहीं तुम लोग नहीं थे इन्वॉल्व, क्योंकि वो अपने सिस्टर को बचाना चाहता था, लेकिन जो उनकी जो सिस्टर थी वो काफ़ी सपोर्टिव थी। यस वी डिड, सेड बॉबी। बॉबी कहती हाँ हम लोगों ने तुम्हारा साथ दिया है, हम लोग भी गुनहगार हैं। वी न्यू ऑल द टाइम, वी ओनली प्रिटेंडेड, वी डिडंट जस्ट टू हुमर यू। यानी वो कहती है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ बहाना बना रहे थे कि हम लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं, लेकिन हम लोग भी तुम्हारे साथ थे। पीटर्स कप वॉज फुल, ही हैड माइंडेड फॉर अ कोल, ही हैड स्ट्रक कोल, ही हैड बीन कॉट, एंड नाउ ही लर्न दैट हिज सिस्टर्स एंड हुमर्ड हिम। इसके बाद से जो पीटर होता है वो सोचने लगता है कि जो मेरी सिस्टर्स हैं मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती हैं। डोंट होल्ड मी, ही सैड, आई वॉन्ट रन अवे। इसके बाद से वो कहता है मुझे छोड़ो, मैं नहीं भागूंगा। पीटर ऐसा कहता है स्टेशन मास्टर से। द स्टेशन मास्टर लूजन हिज ग्रिप ऑन अ पीटर्स कॉलर, स्ट्रक अ मैच एंड लुक्ड एट द चिल्ड्रेन बाय इट्स फ्लिकरिंग लाइट। इसके बाद से जो स्टेशन मास्टर होता है वो उसके कॉलर को छोड़ देता है, ठीक है। व्हाई सैड ही, यू आर द चाइल्ड चिल्ड्रेन फ्रॉम द थ्री चिमनीज अप यंडर्स, सो नाइसली ड्रेस्ड टू, टेल मी नाउ व्हाट मेड यू डू सच अ थिंग्स। अब स्टेशन मास्टर जो होता है अब पीटर से पूछने लगता है अच्छा बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, मुझे बहुत ही तुम अच्छे सज्जन बच्चे या पोलाइट बच्चे काफ़ी अच्छे बच्चे लग रहे हो। हैवंट यू एवर बीन अ चर्च और लर्न एनी थिंग्स, डू नॉट नो इट्स विक्ड टू स्टील।
क्या तुम कभी चर्च नहीं गए हो? कभी क्या तुम कभी मंदिर नहीं गए हो कि तुम्हें पता नहीं है कि जो चोरी करना है पाप होता है? ही स्पोक मच मोर जेंटली नाउ. अब जो स्टेशन मास्टर था वो काफ़ी अच्छे से बात कर रहा था, काफ़ी जेंटली बात कर रहा था. एंड पीटर सेड, पीटर कहता है आई डिडंट थिंक इट वॉज स्टीलिंग. मेरे हिसाब से स्टीलिंग नहीं है, पीटर ऐसा कहता है. आई वॉज ऑलमोस्ट श्योर इट वॉजंट. आई थॉट इफ इट टुक इट फ्रॉम द आउटसाइड पार्ट ऑफ द हीप परहैप्स इट वुड बी. वो कहता है कि अगर ये चोरी है तो तुम सारा सारा जो कोल है वो ले लो. बट इन द मिडल आई थॉट आई कुड फेयरली काउंट इट ओनली माइनिंग. मुझे सिर्फ ये माइनिंग ही लग रहा था, मीन्स कि मैं इतना मेहनत करके यहाँ से कोल लेकर बैग में भरकर ले जा रहा था, तो ये मेरे लिए एक माइनिंग ही था. आई विल टेक थाउजेंड्स ऑफ यर टू बर्न अप ऑल दैट कोल एंड गेट टू द मिडल पार्ट्स. यानी ये मेरे लिए जितना कोल है यहाँ पर हजारों साल लग जाएंगे अगर मैं इसका यूज करूँ. ठीक है, नॉट क्वाइट बट डिड यू डू इट फॉर अ लार्क व्हाट. अब यहाँ पर देखिए क्या दिया, फॉर अ लार्क मतलब जस्ट टू हैव फन. तो वो पूछता है स्टेशन मास्टर, क्या तुम सिर्फ इसको मजे करने के लिए कर रहे थे क्या? नो मच लार्क कैरिंग दैट बिस्टली हैवली स्टफ अप टू द हिल सेड पीटर इंडिजेंटली. वो कहता है कि अगर मैं इसको मजे करने के लिए लेता तो इतना भारी मैं कोयला उठाकर, कोल को उठाकर मैं वहाँ ऊपर पहाड़ी पर नहीं जाता. देन वाई डिड यू, लेकिन अच्छा ऐसा नहीं कर रहे थे, तुमने ऐसा क्यों किया? द स्टेशन मास्टर्स वॉइस वॉज सो मच काइंडर नाउ दैट पीटर रिप्लाइड. जो स्टेशन मास्टर था उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत ही अच्छे से बातें कर रहा था. यू नो दैट वी डे दैट वेट डे वेल मदर सेट वी आर टू पुअर टू हैव अ फायर. वी ऑलवेज हैड फायर्स वेन इट वॉज कोल्ड एट आवर अदर हाउस एंड. अब जो पीटर वो बताने लगता अपने हालात को कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो तीन दिनों से क्या हो रही है, काफ़ी बारिश हो रही है जिसकी वजह से बहुत ही ठंड पड़ रही है. और हमारी जो मदर हैं, जो मम्मी हैं, वो हमेशा कहती रहती हैं कि हम लोग बहुत ही गरीब हैं और हमारे पास ज़्यादा कोयले नहीं हैं जलाने के लिए. डोंट इंटरप्टेड बॉबी इन अ विस्पर. जो बॉबी होती है कुछ नहीं बीच में बोलती है, ठीक है. और पीटर बोलता जाता है तो स्टेशन मास्टर कहता है वेल ठीक है. रबिंग इज चेंज थॉट पिली आई विल टेल यू व्हाट आई विल डू. आई विल लुक ओवर इट थ्री वंस बट यू रिमेंबर यंग जेंटलमैन स्टीलिंग इज स्टीलिंग. वो कहता है ठीक है मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, लेकिन सोच लो चोरी करना चोरी ही करना होता है. ठीक है, एंड व्हाट्स माइन इजंट योर्स वेदर यू कॉल इट माइनिंग और वेदर यू डोंट रन अलॉन्ग होम. वो कहता है कि ये जो माइनिंग है ठीक है ये तुम्हारा नहीं है, ठीक है दिस इज़ अ गवर्नमेंटल. और एक्चुअली में जाओ यहाँ से, चले जाओ घर पर, ठीक है. रन अलॉन्ग होम, तुम सारे सारे घर चले जाओ. डू यू मीन यू आरंट गोइंग टू डू एनीथिंग टू अस? वेल यू आर अ ब्रिक. इसके बाद से बच्चे ये सारे सारे पूछते हैं अच्छा सच्ची में तुम मेरे साथ कुछ नहीं करने जा रहे हो? तो कहता है यू आर अ ब्रिक, तुम लोग अच्छे बच्चे हो. सेड पीटर यू आर अ ब्रिक. ब्रिक का मतलब क्या होता है देखते हैं यहाँ पर. ब्रिक का मतलब गुड फेलो. तो जो पीटर वो कहता है कि आप बहुत ही अच्छे हैं स्टेशन मास्टर को, ठीक है. विथ इंथ्यूजम यू आर अ डियर सेड बॉबी. बॉबी कहते हैं तुम आप बहुत ही प्यारे हैं. यू आर डार्लिंग सेड फिलिस. फिलिस कहती हैं आप बहुत ही प्रिय हैं मेरे लिए. द सॉर्ड आई सेड स्टेशन मास्टर एंड ऑन दिस वे दे पार्टेड. इसके बाद से क्या होता है, जैसे ये सारी चीज़ें कहते हैं ये दोनों, जो स्टेशन मास्टर होता है स्टेशन चला जाता है, जो तीनों बच्चे होते हैं अपने अपने घर चले जाते हैं. तो इस चैप्टर में, इस स्टोरी में यही बताया जा रहा है जो बच्चे होते हैं ये, उनकी जो मम्मी होती हैं कहती हैं बहुत गरीब हैं. वाकई में गरीब होंगे तभी तो गरीब कह रहे होंगे ना. तो ये गरीब थे और इनको काफ़ी ठंड लग रही थी, इनके पास कुछ चीज़ें नहीं थी आग जलाने के लिए. तो वो सोचता है क्यों ना हम ऐसा करें कि पास में एक कोल माइनिंग है, हम लोग वहाँ से कोयले को लाकर जलाते हैं और अपने आप को थोड़ा सा गर्म रखते हैं. तभी से जो स्टोरी होता है स्टार्ट होता है. और इसके बाद से जो पीटर होता है वो जाता है अपने सिस्टर्स के साथ और वहाँ से ढेर सारे कोयले को उठाकर लाता है अपने घर और उसको जलाता है, यूज करता है. एक दिन क्या होता है, जो पीटर होता है वह पकड़ा जाता है वहाँ कोल माइनिंग में. और वो एक्चुअली में स्टेशन मास्टर होता है उसको पकड़ लेता है और स्टेशन मास्टर कहता है कि चलो मैं तुमको पुलिस स्टेशन में दे देता हूँ, ठीक है, और वहाँ पर तुम बताना कि तुम चोरी कर रहे हो या तुम्हारी ये माइनिंग है. तो इसके बाद से ढेर सारी बातचीत होने के बाद लास्ट में जो स्टेशन मास्टर होता है इन बच्चों को एक छोटा सा बच्चा समझ कर छोड़ देता है, क्योंकि ये सारे बहुत ही प्यारे होते हैं और बहुत ही छोटे भोले भाले बच्चे होते हैं, इसलिए स्टेशन मास्टर इनको छोड़ देता है, ठीक है. और वो कहता है कि ये माइनिंग जो है ये तुम्हारी नहीं है, ये क्या है एक्चुअली में, ये दूसरे की संपत्ति है, दूसरे के असेट है, ठीक है. सो अगर आप अपना मतलब समझ के, यानी जो पीटर था वो अपना समझ रहा था कि मैं ये जो मेरी माइनिंग है, क्योंकि वहाँ से वो कोयले को ढो रहा था मतलब ले जा रहा था,
तो वो समझाता है स्टेशन मास्टर कि ये जो माइनिंग है वो तुम्हारा नहीं है, ठीक है, और तुम चोरी कर रहे हो, बेसिकली दूसरे का एसेट को चोरी कर रहे हो, तो ये गलत बात है, चोरी करना चोरी ही करना ही कहलाता है, ठीक है। तो इसी तरह से बातें करते करते जो लास्ट में होता है, जो स्टेशन मास्टर होता है वो तीनों को छोड़ देता है, और जो तीनों बच्चे होते हैं अपने घर चले जाते हैं, और जो स्टेशन मास्टर होता है वो अपने घर चले जाता है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।